नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक है, मजे में खुश हैं। जिस जिसने हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, व्लॉग्स बाय सुलेमान उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मौजूद है। अटल सेतु की बात करेंगे। एक तो अटल ब्रिज था ना जो हमने देखा था, जिसपे काइट्स टाइप लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, लेकिन ये अटल सेतु है, लिंकिंग शोर्स फॉस्टरिंग ग्रोथ। इंडिया का पहला ऐसा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो कि समंदर के ऊपर से जा रहा है, लॉन्गेस्ट है। और ये इसके बारे में हमको जानने मिलेगा, और फिर इस वीडियो के फौरन बाद ही हमारे पास इसी ब्रिज का नाइट व्यू भी है। तो देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो। बदलाव के लिए परिश्रम ही एकमात्र विकल्प होता है। इस सच्चाई को साबित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कई सारे ठप हुए प्रोजेक्ट्स को संजीवनी दी है। उन्हीं कुछ प्रोजेक्ट्स में से एक है अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा सेवा अटल सेतु। अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर इतनी है। इस महामार्ग पर दो तरफ तीन तीन मार्गिकाएं और एक आपातकालीन मार्गिका है। इस सेतु का 16.5 किलोमीटर का मार्ग समुद्री सतह से ऊपर है, तो 5.5 किलोमीटर की उन्नत मार्गिका है। अटल सेतु का कुल बजट 17,800 करोड़ से अधिक है, और ये पूरे भारतवर्ष का सबसे लंबा सागरी सेतु। सबसे लंबा इस अटल सेतु की शुरुआत शिवडी से होती है और शिवाजी नगर से होकर चिरले गांव में इसकी सारा समंदर से गुजरता है। इन तीनों जगहों से निकलने वाले तीन इंटरचेंजेस भी हैं, जिसकी वजह से मुंबई से रायगढ़, नई मुंबई का हवाई अड्डा, न्हावा सेवा बंदर और मुंबई पुणे द्रुतगति मार्ग, इनके बीच का फासला कम होगा। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शून्य पर्यावरण हानि के विजन के तहत सागरी जीवन आहत न हो, यह भी सुनिश्चित किया गया है। इस सेतु के कारण यात्रा का अनुभव सुखद, जलद और ईंधन समय की बेहद बचत होती है। मानो ये प्रोजेक्ट महायुति के सर्वांगीण विकास पर्व का एक तरह से प्रमाण है। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और लीडरशिप के तहत अटल सेतु का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके मार्गदर्शन से सेतु का काम सफल हुआ है। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जुझारू नेता का नाम इस सेतु को दिया जाना अपने आप में ऊंचा स्तर सुनिश्चित करने वाली बात है। ओके, सो अभी तो हमने इसके बारे में जानकारी ली है, अब हम उसका नाइट व्यू देख लेते हैं, फिर सारी इस जो कमाल ब्रिज बना ना इसकी बात करते हैं आपके साथ। पहले उसका नाइट व्यू हम लोग देख लें, सो कि रात को वो कैसा लगता है। लेट्स स्टार्ट। अटल सेतु, तो ओ पीछे बिल्डिंग्स देखो, लाइटिंग देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, समुद्र के पास भी लाइटें लगाई हुई हैं। कितना गहरा हो, जगमगा रहा है। वो देखो लेजर लाइट भी है, बहुत बड़ा। ये देखो कलरफुल लाइट्स जा रही हैं। तीन रोड्स हैं, तीन लेन्स हैं। इंटरचेंज भी तो आए थे ना, है वो आगे। वाह वाह वाह। ओह क्या व्यूज हैं। ये पीएम तो नहीं जा रहे, मुझे भी वो लग रहा है। चल रही है ये तो, हो गया, चल रहा है, पूरा बन चुका हुआ ब्रिजिंग प्रॉस्पेरिटी। अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर ये अटल सेतु है, और बहुत लॉन्गेस्ट ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज। और अगर आप देखें, वो सारा मैप दिखा रहे थे कि सारा समुंदर के ऊपर से जा रहा है। मैं सोच रही थी रात के टाइम अगर आप अपनी गाड़ी से नीचे देखो अगर, हाँ, तो सारा नीचे ब्लैक कलर का पानी। लेकिन उन्होंने साइडों पे भी लाइट्स लगा रखी कि पानी पे जो जाती है
और पूरा ब्रिज जगमगा रहा है, एरियल व्यू अगर आप देखें और पूरी अपनी अगर उस पर देखें तो पूरी गाड़ियां जा रही थी, जिसमें मेरे ख्याल से पीएम नरेंद्र मोदी थे, जब एंड में हमको पुलिस की गाड़ियां और बीच में गाड़ियां नज़र आई ना, वो उन्हीं की थी। और पूरा इसके बारे में हमें पहली वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई कि किस तरह से कामों को फास्ट किया गया है कि और प्रायोरिटी पे रखा गया है, सेफ्टी मेजरमेंट्स भी रखी गई। हाँ, प्रायोरिटी पे रखा गया है कि इन कामों को कंप्लीट किया जाए और ये कंप्लीट हो चुका है, हमारे सामने है। बाकी ये है कि यार इसी तरह प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया। हम लोग अक्सर वीडियोस देखते रहते हैं, चाहे वो किसी भी उससे रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेन्स हो, चाहे वो आइलैंड पे पीएम नरेंद्र मोदी जाती, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, कोई म्यूजियम हो, तो सब मतलब सेक्टर्स में ग्रोथ ही हो रही है। सो ये इसमें तो वैसी हो रही है स्पेस, सब चीज़ों में। तो ये चीज़ हम विटनेस करते हैं, आपके साथ करते हैं, और नॉलेज भी बढ़ती है, अच्छा भी लगता है, एंड जो है आपको भी जाहिर सी बात है अच्छा लगता होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके साथ देखकर हमें भी हमारे मुल्क के बारे में न्यूज़ में क्या चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वो आपके साथ हमें पता चलता है, तो हमें बात अच्छी लगती है ये। सो दैट्स इट, रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो सो यू व्हाट डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन डेली, तब तक के लिए अपना जैसा ख्याल रखिएगा।